नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को पता है कि EPFO का प्रीलिम का एग्जाम हुआ है और इसमें इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट सेक्शन में जो कुछ भी पूछा गया था उसका सोल्यूशंस मैं आपका प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ, जो कुछ भी मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया 100% सही होगा ऐसा नहीं, वो सिर्फ मैंने अटेम्प्ट किया है, वो मुझे सही लगा। यदि उसमें कोई करेक्शन है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि इसमें सही जवाब कौन सा है, क्या है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एनालिसिस के रिगार्डिंग, उसमें मैंने मेरा अटेम्प्ट्स कितना था और गुड अटेम्प्ट्स क्या होना चाहिए इसके रिगार्डिंग भी बात की है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले देखेंगे पैराजम्बल। पैराजम्बल तो बहुत ईजी था, एक नॉर्मल सी तीन शिप्स होती है, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती होती है। उसके बाद एक लायन आता है, उनसे थोड़ी दोस्ती करने का प्रयास करता है तो एक शिप से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो एक एक करके दोनों को खा लेता है और बाद में वो जो जिससे उसकी दोस्ती की होती है उसको पछतावा आता है कि उसने गलत इंसान से दोस्ती की, ऐसा कुछ तो भी वो था। तो ये एग्जैक्टली मुझे लग रहा है, आपने क्या सॉल्व किया ये भी मुझे कमेंट करके बताइए करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। इसके पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसमें हम बता देखेंगे अभी। पैसेज में एक थोड़ा छोटा बहुत स्पेस दिया गया था कि जिसमें हमें वर्ड फिल करना था, कि जो पैसेज एक बेस के एक राजा होता है वो अपने प्रजा को वहाँ के जो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पे विज़िट करना चाहता है, और जब वो विज़िट करने निकलता है तो वो उसे लगता है कि वहाँ में बहुत रास्ते ख़राब है, उसके पैर को बहुत चुमने लगा है, तो वो आता है बाद में और अनाउंसमेंट कर देता है कि पूरे पूरे कंट्री में लेदर फैलाया जाए। लेकिन एक जो बहुत हॉनेस्ट इंसान होता है उसे लगता है कि ये सब गलत बात है, वो एक राजा को एडवाइस देता है कि भाई इतना करने से अच्छा है कि तू पहले चप्पल पहन ले, यदि हर बंदा चप्पल पहन लेगा तो पूरे रोड्स पे लेदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो उसमें एक फिलर दिया गया कि वहाँ के लोग कैसे, तो लास्ट में था कि ये स्पेस दिया गया था उसके वास्ते एंड मिस फॉर्चून ऐसा था। तो यहाँ पे विथ एन अबंडेंस आएगा वेल्थ, इसके पहले था वेल्थ, विथ एन अबंडेंस और एक्सेसिन, ये दो में से थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप बता दीजिएगा आपने कौन सा सॉल्व किया है। मोस्ट लाइकली मुझे एक्सेसिन लगता है, लेकिन आप देखिएगा क्या है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, सॉरी एंटोनिम्स पूछा गया था एप्रोप्रिएट का, तो वो डेफिनेटली अनसुटेबल था। पिच इसका सिनोनिम पूछा गया था तो मैंने इसको पुट फोर्थ किया है। इसके बाद गुड सॉल्यूशन कैन बी सिंपल, एक पूछा गया था कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए पैसेज का, सॉरी पैसेज का टाइटल नहीं, इसमें से एक क्रक्स क्या है इस पैसेज का, इसमें से सीख क्या मिलती है आपको। तो मेरे अकॉर्डिंगली गुड सॉल्यूशन कैन बी सिंपल, ये उसका सही जवाब हो सकता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। कन्वर्सेशन इसका सिनोनिम्स पूछा था, वो था स्पीक विथ, मतलब राजा कन्वर्सेशन करता है लोगों के साथ तो उसका सिनोनिम क्या होगा, तो स्पीक विथ था। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन में रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स और इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स थे, इसमें कस्टमर का स्पेलिंग गलत था शायद, ग्रांटेड फोर्सफुल रॉकर इनका स्पेलिंग गलत था, तो और एक शायद ऑल करेक्ट था, ये आप भी बताइएगा मुझे क्या है। इसका सिंगल फिलर थे, एक सिंगल वर्ड पूरा सेंटेंस देता उसमें एक वर्ड फिल करना था। एक टीचर के रिगार्डिंग था तो वहाँ पे टॉट, एक इंक्वायर था, एक राइटली मुझे लगा, और एक शिप होती है तो डॉक सी होता है, डॉक यार्ड पे वो शिप डॉक करती है। ये चार ऑप्शंस मुझे लगे सिंगल वर्ड फिलर में, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम रीजनिंग पे फोकस करेंगे, रीजनिंग की पजल सॉल्व करेंगे आज, कि रीजनिंग के पजल में हमें क्या देखने को मिलेगा। सिक्स पर्संस विजिटेड 12th, 25th ऑफ द एवरी मंथ। सो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जान, अप्रैल एंड जुलाई, इसमें 12, 25, 12, 25, 12, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जनवरी 31 डेज का होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है एंड जुलाई 31 डेज का होता है। सबसे पहले ए विजिटेड इन द मंथ ऑफ 30 डेज, सो ये ए का है, तो ए की दो पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे, एक बार ए यहाँ पे आएगा, एक बार ए यहाँ पे आएगा। सेकंड है कि 2% विजिटेड बिटवीन ए एंड बी, तो 2% यदि विजिट यहाँ पे करेंगे तो उसके ऊपर बी नहीं रह सकता, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे बी होगा और सेम यहाँ पे होगा। एज मेनी एज विजिटेड आफ्टर बी विजिट्स बिफोर सी, मतलब बी के बाद कितने यहाँ पे दिख रहे हैं अपने पहली पॉसिबिलिटी में, जीरो, तो सी के पहले भी जीरो होंगे और यहाँ में सेम उल्टा होगा। उसके बाद 1% विजिटेड बिटवीन ए एंड सी, तो ऑटोमेटिकली वो ए एंड सी में यहाँ पे दिख रहा है हमें। 1% विजिटेड बिटवीन बी एंड डी एंड डी विजिट्स आफ्टर ए, 1% विजिटेड बिटवीन बी एंड डी एंड विजिट्स डी विजिट्स आफ्टर ए, सो बी एंड डी में 1% विजिट करेगा तो यहाँ पे आएगा एंड डी विजिट्स आफ्टर ए डेफिनेटली यहाँ पे
आ रहा है डी विजिट्स आफ्टर ये, तो ये पॉसिबिलिटी गलत बन रही है। इसके बाद ई विजिट्स वन ऑफ द डेज बिफोर एफ, तो यहाँ पे एफ, तो ये इसका सही जवाब हो सकता है, सी ए डी एफ बी। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पजल देखेंगे जो बॉक्स पजल थी, बहुत इंपॉर्टेंट पजल थी, यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना था, वन टू सॉरी बाद में देखेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेवन बॉक्स पजल में। वन बॉक्स के बिटवीन ए एंड बी, सो अब हम ए यहाँ पे लेंगे ए बी, अब इसकी भी चार पॉसिबिलिटी बनेंगे दोस्तों, ए और बी यहाँ पे था तो बी ऊपर भी आ सकता है, ए नीचे भी आ सकता है, तो ये दो पॉसिबिलिटी होने का चौथी पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी आगे बनेगी। थ्री बॉक्सेस के बिटवीन बी एंड सी, तो हम ये अब ये देखेंगे कि ए एंड बी, हम ये पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं अभी, बी और ए, सो थ्री बॉक्सेस के बिटवीन बी एंड सी, सो बी एंड सी थ्री बॉक्सेस नीचे भी आ सकते हैं, वन टू थ्री ये सी पहली पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ पे सी तीन करना चाहे तो हम नीचे करेंगे वन टू थ्री एंड सी, इसके बाद तीन यहाँ पे नीचे करेंगे तो वन टू थ्री एंड सी, और ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत सेम है, और ये सिमिलर है, इसमें हम चेंजेस करेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बी और सी में तीन बोला थे, वन टू थ्री, तो यहाँ पे सी, और इसके बाद ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स सी के बिलो बॉक्स ए, बॉक्स सी के बिलो बॉक्स ए, सो ये दोनों पॉसिबिलिटी चली जाएंगी, ये दोनों पॉसिबिलिटी चली जाएगी, अब बच गई ये दोनों पॉसिबिलिटीज। वन बॉक्स के एंड थ्री बॉक्स के बिटवीन जी एंड डी, जी एंड डी के भी अंदर थ्री रहेंगे, सो अब यहाँ पे जी एंड डी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि जी यहाँ पे आ सकता है एंड डी, वन टू थ्री, तो डी यहाँ पे आ सकता है, जी अबो डी भी बोला है तो यहाँ पे वो भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा। जी यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ऊपर तीन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे लेता हूँ तो वन टू थ्री एंड डी आ सकता है, लेकिन जी अबो डी बोला है तो डी ऊपर नहीं रहेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी चली जाएगी। सो बच्चा ए जी बी दो स्पेस और डी सी, और वन बॉक्स बिटवीन बी एंड एफ, अब ये यहाँ पे बी है तो यहाँ पे एफ आएगा, तो रिमेनिंग वन क्या था ई, तो यहाँ पे आएगा, तो करेक्ट सिक्वेंस क्या बनेगा, करेक्ट सिक्वेंस यहाँ पे बनेगा ए जी बी ई एफ डी सी, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस बनेगा, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नंबर सीरीज के, नंबर सीरीज में अब हम देखेंगे, नंबर सीरीज यहाँ पे पूछा गया था, तीन ही सीरीज मुझे याद आया, 18 क्वेश्चन मार्क, 15 24 8 30। सबसे पहले मैंने ये देखा ना तो मुझे ऐसा यार लगा कि यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे 1/3 डिक्रीज हो रहा है या फिर 1/4 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, क्योंकि अचानक 1/3 डिक्रीज होता है 1/4 बढ़ता है, तो मैंने छोड़ दिया था, तो बाद में मैंने लास्ट 25 मिनट्स में ऑप्शन से टिक करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 21 पुट करके देखा, वहाँ पे ऑप्शन थे 19 20 21 22, 21, सो प्लस 3 आ रहा था, उसके बाद -6 आ रहा था, उसके बाद 15 और 24 का -9, उस -9, उसके बाद माइनस नहीं सॉरी +9, उसके बाद -16, तो मैंने सोचा 3 6 9 16 आ रहा है, लेकिन थोड़ा मिसमैच लग रहा है, 9 और 16 तो स्क्वेयर आता है, लेकिन इसमें दुप्पट हो रहा है, लेकिन इसमें भी 3, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस, तो ये कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 19 ट्राई किया विद इन, वही तो पहले मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन जब रिटर्न आया तो 18 और 19 वन का डिफरेंस था, 19 -4 किया तो 15 आता है, 15 + 9 किया तो 24 होता है, 24 - 16 किया तो 8 आ रहा है, और 8 + 25 किया तो 33 आता, तो ये स्क्वेयर से 1 2 3 4 5 के प्लस माइनस होते जा रहे, तो ये इसका सही जवाब है 19। इसके बाद 8 × 8 बहुत इजी था, बहुत हलवा था, 8 8 12 24 60, तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि (1) (1.5) (2) (2.5) और यहाँ पे 180 × 3, इसका 180 जवाब आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक इसको यदि हम देखेंगे तो ये डिफरेंस यदि निकालेंगे 3 6 3 आएगा, 6 आएगा 12 आएगा और लास्ट में आएगा 24, सो बढ़ता जा रहा है, तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 1.5 आना चाहिए, सो 98 में से 1.5 करेंगे तो 96.5 इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 96.5, और ये सबसे हलवा था, मतलब यार इसमें एडजस्टमेंट कितना इजी था, देखो 36 × 3.6 है ना, और नीचे 0.5, तो मैं 36/5 लिख लेता, एक एक पॉइंट उधर एडजस्ट कर दिया, और एक्स इज इक्वल टू 36 × 36 ही दिया था, सो ये 36 कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 1/5,
यहाँ पे सॉरी एक्स इधर साइड इधर वाली साइड था, ये थोड़ा ये हो गया। सो 1/5 इज इक्वल टू 0.2, तो उसका जो जवाब 0.2 आ जाएगा। सो इसी तरह के ये सवाल पूछे गए थे, जितने मुझे अवेलेबल थे मेरे पास, जितना मैं लिख के लाया था उतने सवाल मैंने आपको प्रोवाइड किए। इसमें से इंग्लिश सेक्शन का आप देख लीजिएगा, इंग्लिश सेक्शन के यदि आपको कोई गलत लगता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा डेफिनेटली कमेंट बॉक्स करके, क्योंकि मुझे भी उतना एनालिसिस हो जाएगा कि मुझे भी कितने मार्क्स आ रहे कितने नहीं आ रहे, मैं भी उतना श्योर हो जाऊंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑन दिस चैनल बैंकर्स कट्टा ऑफिशियल। गुड बाय।